आज हम जराब ना कुकुर बिलार अगर हो गए तब चल हमारे कई वाली पहिया पे। अब चलते हैं खेते में निकल मछली मार ले और चल अब घरे खूब बढ़िया से भोज के खा भाई ओकरे बाद कलौजी बना ले। अभी मछली खूब यहाँ है अभी चलते हैं पकड़ाई हम हाँ पकड़ ले तब ओकरे बाद फिर ले चली घरे। के हर जाई मैं मौका को सुझाता हूँ आए है एका सारे के कहे हम हमका चश्मा एक ही बनवाई दे हमारे टट्टू पिशाब लागे थे हम कहाँ जाई चलिए देखिए रे तेरे पिशाब उशाब कैली फिर आए के बैठी मोरे घरे के लड़के वो कोनो नहीं आए देख ली ही रुहुआ बनाई देसी नहीं का बोए बा मौका तो चुनराता हूँ नहीं यहाँ का नहीं का जब आई तब कुछ न कुछ ही रवा बिरवा बोल दे कि मैया ले सुनो सुन है का जाए तो बोए है अपन देखी। अरे धनवाम का सियार हुआ रहा है का घपर घपर कराता है दौरी अब ना सुनाता है होए कौन कुकुर बिलार हुई ही ये बैठ ले कि साफ कर ली हे भगवान ये लड़का सारे न रहे तब ठीक बा कहे सारे चश्मा बनवाई दे अभी हमका जंगले में कई दे है चाहे जे आवे महुआ आम गुलर अमरूद तोड़ ले जाए लहसुन प्याज जो लगाए है उखाड़ ले जाए अब रात में तो इसे नहीं दिखाता दिन में तो और नहीं दिखाता छोड़ छाड़ फरियाद तो हुई था अपन इशारा से काम कर ले थे भी गोदिया के सहारे से फिर घप घप आवे तो मोरे धनवा कमाना रे बोली थी तो सन्न हो जात है और ना आई बोली तो घप घपावे लागत है चलिए देखी आटे का देख ले तो बताई हाँ बिलार हुई आज हम मारत मारत टांग तोड़ दे आज हम जराब ना कुकुर बिलार अगर हो गए तब कौन ये रे ए काया कई फटके अरे ये कौन ये बोलती हूँ नहीं बा ए काया कई हाँ मोरे धनवाम का करत यहाँ ता अरे का करते का मछली मारती और का करते हैं मछली हाँ यह कौन मछली यहाँ तालाब में चली जाए खवासी यहाँ चली आई यहाँ मछली अरे ही खेतों में मछली बड़ी बड़ी है तालाब कहाँ पानी है। अच्छा तो हमारे धनवा लतिया किकरे घरे कहे रहता है वो का दिखा कम बा सर मछलियाँ मोर बताई तो का हम तो जा हम आवा खाई ना कहे मछली थोड़ी को हम पकड़े दे रहे हम अरे तो पकड़ ले का दिक्कत हो ना ही दिक्कत बा हमारे धान खनर जिन चलो हम आज यहाँ यहाँ लगा पकड़े दे ही हमका मछली मछली खवासी यहाँ तो सोचा कि ना हो ही तो नहीं यहाँ चला आया नहीं भाई तो का मशीनी भूई मछली खवाई थी घबरात का है यहाँ तो आई यहाँ यहाँ धान तोड़त यहाँ मछली खवासी यहाँ तो कहूँ यहाँ मछली खाए तू आ आवा का है कथा परे बुलावत है यहाँ बुढ़ापा में नहीं तू परेशान करत यहाँ वो हमार धान तोड़त यहाँ धान कहाँ मेड़े किनारे खड़ी रहे हैं कहाँ धान तोड़ रही तो हार हम धरवा कैसे बोले जवा उलरजवा का धनवा आंधी पानी आ रहा है उलरजवा हम थोड़ी करे हम अब आंधी पानी आई है हाँ
से आए रहान ही पानी रात तोरन किया आए रहान की हमरो किया आए रहान करे घरे कहे ताई हां। अरे दादा हम पन्ना के पतो है चाहे पन्ना के पतो हो चाहे किताबी पतो हो अंधू अहिया आए के हमार धान नुकसान कर दिया आवे अब हमरे बेटो के बताई। अरे नहीं दादा सुना पहले हम चार मछली मारब बस ज्यादा ना मर गई हां तना लबर लबर करवासी है चली जे सिकंदरा बाजार से ले आए ले बाजार से हां पैसा नहीं है दादा तोरे मन से दून सो दून आई है का रे हां तो लेकिन कमाते न माते नहीं दादा ये दुलहनिया हां ये दूसरे नुकसान क्रम ना आई ठीक हो ऐसा है सुन हां दादा तो ज्यादा मछली खवासी है हां दादा खवासी तो है बहुत दिन उपवास करे है ना हां 9 दिन व्रत रहे हां अब यह मौका है अब नवरात्र बीत गया है दादा तो सही मछली खा ले नौ दिन भुखानी रहे हां बड़ा मन कहत रहा दादा हमारा ना चल आज जाने हां चल हमरे कई वाली पहिया पे हुआ हां हुआ तो का मछली खियाई थी मछली है का जी आए है हम पकड़ पकड़ हां हां चल तब चल आवा दादा तब तो बहुत बढ़िया आवा चला भाई आज तो का मछली जोन खियाओ दुनिया देखी अरे हनी दूर हम कर लिए मछली खिया अरे तो जान क्या कुछ पावे के लिए कुछ खोए पड़ा से दुलहिन हो कहा खोवा था इतना दिन इतना देरी से हम आए यहाँ खड़ी रहे ओकरे बाद हमका यहाँ ले जाए के आया दो एक घंटा समय बिता दे रहा। अरे दुलहिन बात समझा करा हमार तू जान दिया यहाँ पुलिस से वार ले अब कहा बताई तुलसी हम कहा अपना यही के का घरवा ई के घर घरवा। अरे मोरे बगलिया क्या है ये दादा तू ही ले जाए का ये हमरे डरे लागत है हो। अरे डर लागत क्या है का हुआ यार बड़ा डर लागी का तू ना समझता है अब यहाँ देखा था हर रान पड़ोस ये कहीं कि भाई बतावा पन्नावा पोतोहिया हम मानिक बुढ़ाना सा वाला का निकाह करती है ये दुल्हन हाँ देखा जमाना कुछ भी सोच ऊपर न जावा करा तो का हम सीख दे रही लिया आए है सीख हाँ दुल्हन हो हाँ अब तू मछली खाबू दूसरे जीव लेबू वो ठीक ना ही होता ही। अब देखा हमारे भैया गोभी लगाए हैं गोभी लगाए हैं घी में चला एक पेड़ काट लियो ला बनावा खा उसे बढ़िया स्वाद मिली हेमा विटामिन मिली दूसरे के जीव खाबू हमा कनो मतलब निकली दुल्हन। ए दादा दुनिया मने खात तबा हाँ दुल्हन हो दुनिया खात यहाँ का करबू ई जौन कर्म करत जहा ऐसे तोहार जीवन पार ना होई समझत जहा पाप मिले बहुत बड़ा पाप लागत है दुल्हन हम यही कहबाई देखा अब दुनिया यह सोचत होई ये दुर्गा देखा थोई बात हुई बुढ़ौना मेहरारुआ काहे सरवा लिया काहे ओटे बतियात बा बतियान देखत यहाँ दुर्ग मेहरारू हो दादा। अरे तब देवताए दुल्हन जमाना ठीक नहीं बा अब यही कहा तही तो का खाए के बात मरचा फरा बा गोभी लाइले नेलुआ फरा बा करैला जौन जरूरत हो जा तोड़ ले दुल्हन और जीव लेब के हो ठीक नहीं बा धान लतियबू हमार पोकट के अच्छी बात ना हो। अरे दादा इतना दिन हमार मन आज कहे से सौरे मछली खाए के तो हमका बतावता है ना तेना नहीं हम तो सलाह ना दे भाई बाकी मर्जी तोहार कुछ भी करा भाई समझत यहा अभी बरे अब तू तो सोचे हो बुलिया चला तहा हुआ दादा कुछ उल्टा सीधा न करेंगे रात तो बहुत रहे लेकिन बड़ा बढ़िया सीख देता है तो जीव ना मारे चाहे ना नहीं दुल्हन देखा जैसे तोहार जीव वैसे मछलियों के जीव। अरे तब दादा सही कहता है हमारे दादा हरे खात खा देखता हम मर गए तब कुछ कई पाए दादा हरे कुछ नहीं कई पाए कुछ नहीं बनाई पाए दुल्हन हो ये उम्र राम राम करे समय है तोहार उम्र समय तो जवान है हो दादा। अरे दुल्हन जवान यहाँ भगवान जिथा के सुख देती सुख करा ये मछली मुर्गा खाए से
ठीक नाई हो दुल्हन, बहुत बड़ी हत्या लागत है। चले फिर ले ले तो हर कहत रहा है। हाँ दुल्हन जा तो जा जा जोन ले तो ले जा। सतगुरु सवारी लाके दादा कहाँ गया? दादा हाँ यह आई गये तोली आई गयो। सही कहा दादा जाना, मछरी खात रहे तुम्हारे मां मसाला लगाई तेल लगत रहा, यह मां नून मर्चा डाल दे भाई सस्ते सस्ता हो जाए आओ के हो के हत्या न होए। हाँ दुल्हन। अरे दादा ये बतावा जब मछरिया खात रहे तो मेरे घर लड़के हैं सब बीमार रह रहे हैं बात आएगा ये दुल्हन। हाँ देखा है हमारे घर परिवार ना खुशी रहा, देवी देवता ना खुशी रहते समझत यहाँ तो संकट उबे करी ऊपर से। अरे दादा बतावत सही है जब जब मछली खाए रहे हाँ तो परेशानी होने लगे आए गिर ना दुल्हन। अब तू जा देखा अब हम गांव देश के बूढ़ बुढ़ापा मनाई है अब है तो का उल्टा सीधा कह दे गौना देसवा हम महीन के कहता है ठीक मारा तो का हम समझाए है दुल्हन हो। दादा हम समझ मरे आए के वा की तबई आप कंठी पहने हां का ना दादा दुल्हन हो। हां ऐसे पहले हमहू बड़ा उजड्डई करत रहे। अच्छा हां लेकिन हम कहे ई सब ठीक नहीं बा हमहू के हमहू गए दुल्हन हमहू के सीख देश के हूं। अच्छा अच्छा सीख देन कहे ना ऐसे ऐसे ना करे चाहे। हां हम कहे नहीं भैया अब ऐसे ना करब अब फिर हाल बुढ़ाई अवस्था हुआ गई है और दुल्हन हो हमसे अखियस दिखात काम जानू कम दिखात है। हाँ दुल्हन उम्र ज्यादा हो गई है और लड़कवन के कहा चश्मा बनवा सुनते ही ना है सारे कौन। अरे दादा तो ऐसा करे ना लड़कवन से कहे चश्मा बनवा दे। अच्छा तब दादा हमारा तो जो के तरह का ऐसे है ना दुल्हन हम सोचे कौनो सांड गाय भैंस आटिन ना ही दुल्हन जानती है का डराई हमार रहत रहत आदत पड़ी गई भी है समझू। सही कहा था दादा सही कहा बोल दी ना है मारा ही जात रहे। अरे नहीं दादा हम सोचे कि आवत है चौके तो हमके पकड़े ले हम आए रहे मछली ये बड़ा जल्दी उठत ना रहे ये दुल्हन अब जा जानू। हाँ दिन ढलत है ना घरे वाला लड़का बच्चा का कहा जा दादा जा। हाँ जा चली हम अपन अब इनका जवन बा इनका बेचारो को बता देवे अब का करू मेहरारू आए रही इतना दूर से ओका समझाओ ठीक रहा जाए जब कद दिमाग काटे अगर मान जाए ठीक है ना भगवान जाने के का कितना समझाओ। हाँ तो दोस्तों नमस्कार यह वीडियो कैसा लगा आप सबको बताइए कमेंट करके। तो भैया हरा देखा यह वीडियो हमारा बनाने का मकसद ही रहा कि मुर्गा मछली न खाई जाए जैसे कि हम आए मछली हेरत रहे गांव के दादा रहन हमका सीख दे देहन अगर इनकर सीख अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आए गए तो समझ लो बहुत बहुत धन्यवाद हुआ भैया हरा। अगर ये वीडियो से अगर एक लोगन की जिंदगी अगर बन जाता तो हमारी वीदियो बनाओ सफल हो जाता का दादा। हाँ दुल्हन तो भैया आप लोग से हम यही कहा चाहिए थी देखे भैया मछली मुर्गा तो एक जीव अटन जैसे हमारे जीव से मछली मुर्गा के जीव तो हम ये कहा भैया ये सबसे दूर रहें और शरीर अपन स्वस्थ रखें नहीं तो तमाम तरह के बीमारी तमाम तरह के दुख एक न एक प्रकार से चली आओ अपने शरीर के अंदर प्रवेश होती है तो हम ये कहा जितना शुद्ध खाना खा सकें उतना शुद्ध खाना खाएं। और भैया हमारे लोग के बात से अगर आप लोग सहमत हुई तो यहाँ पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते प्रणाम।